प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट में हम शैवालों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने शैवालों के सामान्य लक्षण, उनके आवास आदि के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम शैवालों में जो थैलस संगठन है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि इनमें किस प्रकार के थैलस पाए जाते हैं। थैलस के बारे में हमने पिछले भी वीडियो में जाना था कि शैवालों में जड़ तना पत्ती का अभाव होता है, तो ऐसा पादप शरीर जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाया जाता थैलस कहलाता है। अब ये थैलस भी कई प्रकार के हो सकते हैं, आइए जानें शैवालों में थैलस संगठन। तो विद्यार्थियों थैलस संगठन जो है मुख्य रूप से वह दो प्रकार के हो सकते हैं शैवालों में, एक कोशिकीय थैलस यूनिसेलुलर थैलस और बहुकोशिकीय थैलस मल्टीसेलुलर थैलस। सबसे पहले हम यूनिसेलुलर एक कोशिकीय थैलस के बारे में जानते हैं। ये फियोफाइसी वर्ग के अतिरिक्त अन्य सभी शैवालों में पाए जाते हैं और इनमें जीवन चक्र की सभी क्रियाएं चूंकि एक कोशिका में होती हैं इसलिए इन्हें अकोशिक असेलुलर भी कहते हैं। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला है एमीबिया या राइजोपोइडियल, इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जीवद्रव प्रक्षेपों शूडोपोडिया के कारण इसकी आकृति निश्चित नहीं होती, यानी अमीबा के जैसी जब आकृति हो शैवाल की तो उसका थैलस संगठन अमीबिया या राइजोपोडियल कहलाता है। जैसे राइजोक्राइसिस, क्रस अमीबा, राइजोक्लोरसिस, ये जो शैवाल हैं ये अमीबिया या राइजोपोडियल प्रकार का थैलस संगठन प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है कशाभिकी, इनमें कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। ये यूग्लिनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, इन वर्गों में पाए जाते हैं और कशाभिकाएँ पाए जाने के कारण ही इनके थैलस संगठन का नाम दिया है कशाभिकी फ्लैजलेट्स। और इनका बहुत अच्छा उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास जिसमें दो, और युगलिना जिसमें एक कशाभिका पाई जाती है। युगलिना के बारे में आप जानते भी हैं कि युगलिना में दोनों ही प्रकार के प्राणी सम और पादप सम दोनों ही प्रकार के भोजन पाए जाते हैं, तो युगलिना को पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी भी कहा गया है। तीसरा प्रकार का जो संगठन है एक कोशिकीय में नॉन फ्लैजिलेट, ये गोलाकार आकृति के होते हैं, यानी इनमें फ्लैजिला कशाभिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इनको कोकोइड या प्रोटोकोकोइड भी कहते हैं। जैसे क्लोरेला है, सिनेकोकस, क्रोकोकस, डायटम। डायटम की जो कोशिका है वो दो प्रावरकों यानी दो परतों से बनी होती है और एक पट्टी के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। और अगला जो थैलस संगठन है सर्पिलाकार या स्पाइरल एक कोशिकीय जो थैलस संगठन है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्पाइरुलिना, और ये सर्पिलाकार होते हैं इसलिए इनको स्पाइरल या सर्पिलाकार कहते हैं। तो ये तो थे विद्यार्थियों एक कोशिकीय थैलस संगठन। अब बात आती है बहुकोशिकीय थैलस संगठन। बहुकोशिकीय थैलस संगठन मुख्य रूप से समूहन यानी एग्रीगेशन, समंडल यानी सिनोबियम, तंतुल फिलामेंटस, साइफनी साइफोनस, मृदुतकी यानी पेरेन्काइमाटस और इक्विसीटम इक्विसीटॉइड, इन छह प्रकार के होते हैं, यानी जिनमें कोशिकाएँ बहुत सारी हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। तो आइए हम इन के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले है समूहन यानी एग्रीगेशन, इसको कॉलोनी भी कह देते हैं। इसमें कोशिकाएं आपस में समूह बना के अनियमित आकार की कॉलोनी बनाती हैं। इनकी विशेषता यह है कि कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं जिससे कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। इस प्रकार की कॉलोनी में कोशिका संख्या तथा कॉलोनी का आकार अनिश्चित होता है, यानी समूहन में कॉलोनी जो बनेगी उसमें कोशिकाओं की संख्या और जो कॉलोनी का आकार है वो अनिश्चित होता है। कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या निश्चित नहीं होती, ये कुछ इस प्रकार की हो सकती हैं। सबसे पहले ये पाल्मेला यानी पाल्मेलॉइड, इसमें कोशिकाएँ जो होंगी वो अचल होंगी, श्लेष्मी आधात्री में अनियमित रूप से अंतः स्थापित रहती हैं। इनमें न तो आकार और न ही कोशिका की संख्या निश्चित होती है। इसके उदाहरण है पामेला, एफेनोथीका, टेट्रास्पोरा, यानी जब कोशिकाएं एक श्लेष्मा में अनियमित रूप से व्यवस्थित हों तो उसे पाल्मेलॉइड कहते हैं। वृक्षाप,
इसमें कोशिकाएं एक दूसरे से श्लेष्म द्वारा इस प्रकार जुड़ी रहती हैं कि उनका स्वरूप छोटे वृक्ष के समान दिखाई देता है, यानी एक शाखा रूप में जब जुड़ जाएं कोशिकाएं तो उस प्रकार का थैलस संगठन वृक्षाभ यानी डेंड्रोइड कहलाएगा, जैसे क्राइसोडेंड्रोन, प्रेसिनोक्लेडस, केमिसाइफोन, ये सब डेंड्रोइड प्रकार की हैं। राइजोपोडियल, इसमें प्रत्येक कोशिका आपस में जीवद्रव प्रक्षेपों यानी राइजोपोडिया से जुड़ी रहती हैं, जैसे राइजोक्राइसिस, क्राइसिडिएस्ट्रस, ये सब क्या हैं, राइजोपोडिया। तो ये पहले प्रकार का यानी समूहन जो थैलस स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन था वो है। दूसरे प्रकार का है समंडल सिनोबियम। इस प्रकार की कॉलोनी में निश्चित आकार व आमाप होता है। समूहन में तो कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या, आकार, आमाप निश्चित नहीं होगा, लेकिन समंडल में, सिनोबियम में कॉलोनी की जो आकार होगी उसका आमाप होगा वो निश्चित होगा, और कोशिकाएं भी निश्चित संख्या में पाई जाती हैं जो विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। इनमें कोशिकाओं की संख्या शिशु अवस्था में ही निर्धारित हो जाती है तथा उसके बाद इनके आकार में वृद्धि होती है। इन्हें सिनोबियम कहते हैं। सिनोबियम दो प्रकार की होती हैं, कशाभिकीय या गतिमय, और अकशाभिकीय यानी अचल। जिनमें कशाभिकाएं पाई जाएंगी वो तो गति होंगी, गति कर सकती हैं, और कशाभिकाएं नहीं पाई जाएंगी उनको अकशाभिकाएं या वो नॉन मोटाइल होंगी, अचल होंगी। तो कशाभिकाओं में जो कोशिकाएं हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी होती हैं और कशाभिकाएं पाई जाती हैं। इसके उदाहरण है पेंडोराइना, यूरोडाइना, वोल्वॉक्स। वोल्वॉक्स इसका बहुत अच्छा उदाहरण है समंडल का, सिनोबियम का। और अचल में पेडियस्ट्रम, सेंडेस्मस, हाइड्रोडिक्टियन, ये अचल सिनोबियम के उदाहरण हैं। अब बात आती है कॉलोनी यानी निवय और समंडल सिनोबियम में क्या अंतर है। तो कॉलोनी या निवह में कोशिकाओं की संख्या, उसका आकार, आकृति अनिश्चित होंगे, जबकि सिनोबियम या समंडल में कोशिकाओं की संख्या, आकार और आकृति निश्चित होते हैं। निवह या कॉलोनी की कोशिकाएं पृथक पृथक अथवा जुड़ी हो सकती हैं, जबकि सिनोबियम की कोशिकाएं परस्पर कोशिका द्रव्य योजकों, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से आपस में जुड़ी हो सकती हैं। महत्वपूर्ण बात और जो सबसे अच्छा अंतर है वो है कॉलोनी या निवह में ध्रुवता का अभाव होता है, अतः कोशिकाओं का क्रम भी अव्यवस्थित होता है, जबकि सिनोबियम में, समंडल में ध्रुवता पाई जाती है और कोशिकाएं विशेष क्रम में व्यवस्थित होती हैं। तो ये कॉलोनी और निवह, कॉलोनी या निवह तथा समंडल या सिनोबियम में अंतर है। तीसरे प्रकार का जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है बहुकोशिकीय थैलस ऑर्गेनाइजेशन में, वो है तंतुल या फिलामेंटस प्रकार का। तंतुल अवस्था की उत्पत्ति एक कोशिका कायों से गतिशीलता के विलोपन व कोशिका के अनेक अनुप्रस्थ विभाजनों से हुई है। एक ही कोशिका में जब बहुत सारे अनुप्रस्थ विभाजन हो जाएं तो उसमें पट बन जाते हैं और तंतुनुमा स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें संतति कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक न होकर रेखीय क्रम में जुड़ी रहती हैं और तंतु बनाती हैं। तंतु दो प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों, अशाखित तंतु, इनमें सरल होंगे यानी शाखाएं नहीं पाई जाएंगी, जैसे उडोगोनियम है, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, यूलोथ्रिक्स, ये सब के सब क्या हैं, इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। शाखित तंतु, इनमें शाखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, पिथोफोरा, क्लेडोफोरा आदि में पाए जाते हैं। शाखाओं का निर्माण तंतु के पट के निचले भाग से पार्श्व अतिवृद्धि की उत्पत्ति तथा उसमें अनुप्रस्थ पट निर्माण क्रिया द्वारा होता है। अब शाखाएं ऐसा नहीं है कि इसमें वास्तविक रूप से शाखाएं पाई जाती हैं। मान लीजिए किसी में कोई तंतु है, उसमें पहले तो अनुप्रस्थ विभाजन हुए और फिर पार्श्व रूप से कोई अतिवृद्धि निकल जाए और उसमें फिर विभाजन हो जाए, जैसे साइटोनिमा में आभासी शाखन पाया जाता है। इस प्रकार का शाखन पार्श्व ऊर्ध्व के रूप में विकसित नहीं होता, अपितु तंतु की अंतर्वेशी कोशिका के नष्ट होने पर तंतु का टूटा हुआ शिरा श्लेष्मी आवरण से बाहर निकल आता है। शाखन से तीन प्रकार के जो थैलस हैं वो विकसित हो सकते हैं विद्यार्थियों। सरल, इसमें थैलस एक तंतु का बना होता है जो आधार पर किसी कोशिका से संलग्न होगा, और शाखाएँ आधारी कोशिकाएँ कोशिका के अतिरिक्त किसी भी कोशिका से उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे क्लेडोफोरा।
विषम तंतु दूसरा, इसमें ऊर्ध्व तथा शयान दोनों प्रकार की शाखाएं पाई जाएंगी, यानी ऊपर की तरफ उठी हुई भी और जमीन में लेटी हुई भी दोनों ही प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं, जैसे फ्रेस्चेला, कोलियोकीट, एक्टोकार्पस। और इनमें तीसरे प्रकार के हैं आभासी मृदुतकी। इनमें शैवालों में तंतुओं तथा शाखाओं के लंबवत अथवा समानांतर संगठित रूप होने से ये स्वरूप बनता है। यह एक अक्षीय हो सकता है जैसे बैट्रकोस्पर्मम, और बहुअक्षीय हो सकता है जैसे पॉलीसाइफोनिया। आप यहाँ चित्र देख पा रहे हो, पॉलीसाइफोनिया में अंतस्थ कोशिकाओं में एक अक्षीय संरचना स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है, जबकि बहुअक्षीय जो हैं मल्टी एक्सियल, एक से अधिक केंद्रीय तंतु आधार से विकसित होते हैं जो परस्पर संयुक्त होकर आभासी मृदुतकी संरचना बना देते हैं। इस प्रकार की बहुअक्षीय आभासी मृदुतकी संरचना रोडोफाइसी के सदस्य निमेलियन में पाई जाती है। कोलियोकिट स्कूटाटा में ऊर्ध्व तंत्र पूर्णतः विलुप्त हो जाता है तथा श्यान तंत्र बारम्बार शाखित हो जाता है, और ये श्यान तंत्र भी फिर से आभासी मृदुतकी का आभास कराता है। इसके बाद जो स्थल संगठन है विद्यार्थियों, वो है साइफोनस प्रकार का। इस प्रकार का थैलस नलिकाकार पट रहित, यानी जब थैलस पट रहित होता है तो एक नलिका जैसी संरचना बन जाती है और उसमें सभी कोशिकाओं के केंद्रक उपस्थित हो जाते हैं। तो एक नलिकाकार पट रहित शाखित और बहुकेंद्र की जो संरचना होगी उसे संकोशिक या साइफोनस प्रकार का कहेंगे। इसमें पट निर्माण हुए बिना कोशिका विभाजन व दीर्घन होता है, और पट निर्माण केवल जनन संरचनाओं में ही होता है, जैसे बोट्राइडियम, प्रोटोसाइफन, वाउचेरिया। वाउचेरिया साइफोनस एल्गी का बहुत अच्छा उदाहरण है। क्लोरोफाइसी के प्रोटोसाइफन तथा जेंथोफाइसी के बोट्राइडियम में थैलस छोटा अशाखित पुट्टी का समान होता है। वाउचेरिया का थैलस शाखित व साइफनी स्वरूप होता है। कालार्पा में मूलाभाषी अक्षीय और प्रणकी स्वभाविक शाखाएं विभेदित होती हैं। और अगला थैलस ऑर्गेनाइजेशन है मृदुतकी पैरेन्काइमेटस। इस प्रकार के थैलस का विकास तंतुल थैलस से माना जाता है। तंतु की कोशिकाओं में एक से अधिक तलों में विभाजन होता है तथा विभाजन के फलस्वरूप बनी संतति कोशिकाएं पृथक नहीं होती, यानी जब तंतु के अगल बगल में ही कोशिकाएं विभाजित होती रहें और वो अलग नहीं हों तो एक पैरेन्काइमेटस मृदुतक के जैसा आभास वो देते हैं, और पत्ती जैसा चौड़ा वो दिखाई देता है, जैसे क्लोरोफाइसी वर्ग के वंश अल्वा का थैलस। मृदुतकी थैलस का जटिल या विकसित स्वरूप भूरे शैवालों में दिखाई देता है, जैसे डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम, मैक्रोसिस्टिस। ये मृदुतकी शैवाल हैं, यानी इनमें जो तंतु है उसके आसपास ही कोशिकाएं विभाजन करती रहती हैं। और अंतिम प्रकार है विद्यार्थियों इक्विसीटम प्रकार। ये टेरिडोफाइटा का जो पादप है इक्विसीटम, उसके समान दिखाई देते हैं, जैसे कारा है, नाइटेला है। ये शैवाल हैं लेकिन इनकी संरचना जो टेरिडोफाइटा का पादप है इक्विसीटम उस प्रकार की दिखाई देती है। इसमें पादप एक ऊर्ध मुख्य अक्ष पाया जाता है, उसमें पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं, और मुख्य अक्ष की पर्व संधियों पर सीमित वृद्धि की शाखाओं का चक्र पाया जाता है, है ना। तो जब शैवाल टेरिडोफाइटा के पादप इक्विसीटम के समान दिखाई दें तो उसे इक्विसीटम प्रकार का, इक्विसीटोइड प्रकार का थैलस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कारा और नाइटेला इसका बहुत अच्छे उदाहरण हैं। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, धन्यवाद।